नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएसआर जोन में। मित्रों, चालाक से चालाक शत्रु, बड़े से बड़ा शत्रु, कोई भी ऐसा दुश्मन, पुरुष है, स्त्री है, कोई भी है, अगर उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, लाख जतन कर चुके हैं, आपको छुटकारा नहीं मिल रहा, आप चाहते हैं जैसा कुछ बुरा वो आपके लिए सोचता है, विचार रखता है, जैसा अहित वो आपका चाहता है, ऐसा ही पलटकर उसका हो जाए और जो भी समस्या है वो आपके लिए खड़ी करता है, पलटकर उसकी ओर लौट जाए। मित्रों, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर, कुछ चावल के दानों से होने वाला बहुत ही प्रचंड उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे आप अपने किसी भी शत्रु, किसी भी दुश्मन के लिए कर लीजिए, बच नहीं सकेगा मित्रों इसके प्रभाव से और पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, खुद आकर आपके पैरों में गिरेगा, पूरी ज़िंदगी रोएगा आपका वो शत्रु, आपका वो दुश्मन। क्या करना है आप मित्रों? आपने लेने हैं 13 चावल के दाने, सफ़ेद चावल के 13 दाने लें, अखंडित दाने हों, कहीं से टूटे हुए ना हो। उपाय आप सप्ताह में किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। एक स्थान पर उत्तर दिशा की ओर यानी नॉर्थ की ओर मुख करके आप बैठ जाएं और अपने साथ एक दीपक रखें सरसों के तेल का, अपने सामने की ओर जला लें, प्रज्वलित कर लें। जितने 13 आपके पास दाने हैं उसमें से 12 दाने आप दीपक के बिल्कुल बगल में सीधी ओर यानी अपने राइट हैंड की तरफ रखते हैं, बिल्कुल दीपक के बगल में नीचे की ओर छुला कर, बिल्कुल उसके पास। और जो एक दाना है उस दाने को आप अपने बाएं पैर के नीचे दबा दें, जो बायां पैर है उसके नीचे रख दें, उसके ऊपर उस पैर के अंगूठे को आप अपने सीधे हाथ के अंगूठे से छुला दें, यानी ऊपर से सीधे हाथ का अंगूठा रख दें। इसके बाद आप 3 बार अपने उस शत्रु का नाम लें, उसको याद करें, आंखें बंद करें और बोलें एक मंत्र, ओम ह्रीं क्रीं शत्रु विनाशाय तत् फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं शत्रु विनाशाय तत् फट स्वाहा। यहाँ पर मित्रों, शत्रु के स्थान पर आपने अपने शत्रु, अपने दुश्मन का नाम लेना है और उसे ध्यान करते हुए आपने मंत्र बोलना है, आंखें बंद करके याद करके ही मंत्र को उच्चारित करें। अब आपने क्या करना है, जितने दाने ज़मीन पर रखे हैं आपने वो दाने उठाएं और दीपक के भीतर रख दें, अंदर डाल दें और एक फूंक मार कर दीपक को बुझा दें। ये ध्यान रहे मित्रों कि एक ही फूंक में दीपक बुझ जाना चाहिए। जो एक दाना आपने पैर के नीचे रखा है अब आप उसे निकालें, उस दाने को निकालें, सीधे हाथ से निकाल लें और अपने घर के दरवाजे की ओर जाएं या खिड़की की ओर जाएं और वहां से बाहर फेंकें। यह आपने करना है, वापस आए उस स्थान पर, दीपक आपने उठाया और दीपक को आप किसी भी घर के बाहर अपने आंगन से दूर किसी वृक्ष या किसी पौधे की जड़ पर रख दें। यदि आपके आसपास कोई ऐसा वृक्ष या पौधा बाहर नहीं है तो आप उस दीपक को अपने घर की छत पर भी रख सकते हैं या किसी वीरान स्थान पर अपने घर से कम 11 कदम की दूरी पर उसे छोड़ कर आएँ, उससे अधिक जा सकते हैं कम नहीं, वहाँ से वापस लौट आएँ। स्नान शुरू, उपाय शुरू करने से पहले और उपाय खत्म करने के बाद अपने हाथ पैर एक बार अच्छे से अवश्य धो लें। मित्रों, इतना उपाय आप ये कर लें और उसके बाद आप देखें मात्र 2 से 3 दिन में आपके शत्रु की वो बुरी दशा होगी, वो बुरे हालात हो जाएंगे कि वो पूरी उम्र रोने वाला है। मित्रों, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं यदि आपका ऐसा कोई शत्रु, कोई दुश्मन है। अब दें आज्ञा मित्रों, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, नमस्कार।